वेलकम बाई चैनल कोड विद कौशिफ लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक काम किया था हमने इनपुट्स आउटपुट्स के बारे में कुछ स्टडी uh, किया था सी प्लस प्लस में uh, कि हम इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से या आउटपुट कैसे देते हैं ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में uh, देखी थी अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से देख सकते हैं uh, इस वीडियो में हम uh, ये करेंगे कि हम लूप्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे फॉर लूप का कि फॉर लूप कैसे वर्क करती है लूप होता क्या है ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको एम्प्टी कर देता हूँ ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि ये लाइब्रेरीज़ वगैरह ये सब कुछ क्या होता है इस पूरी प्ले की फ़र्स्ट वीडियो में हमने ये सब कुछ देखा था अभी हम लूप के बारे में स्टडी करेंगे अ, लूप का मतलब क्या है कि मतलब एक चीज़ को बार बार रिपीट करना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं मतलब वन से लेकर टेंथ uh, तक काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा कि uh, अगर मैं लूप यूज़ ना करूँ तो मैं एक इंटीजर लूँगा उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए का नाम दे देता हूँ तो इसको uh, मुझे कैसे सी इन करवाना पड़ेगा सी इन ए उसके बाद आ, मुझे एक और इंटीजर लेना पड़ेगा आ, बी के नाम का और फिर मुझे उसको सी इन बी अब मुझे ए में वन स्टोर करना पड़ेगा बी में मुझे टू uh, स्टोर करना पड़ेगा इस तरह मुझे टेन तक जाना पड़ेगा तो मतलब uh, ये काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा एक चीज़ को अगर एक वैल्यू मैंने टेन तक प्रिंट करवानी है तो मुझे uh, बार बार रेपीटिशन uh, जो है अगर एक काम रिपीट करना है तो उसके लिए मुझे बार बार एक वैल्यू को इनिशलाइज़ कराना पड़ेगा मतलब यहाँ पे स्टार्ट में और उसके बाद उसको कोई सीन करवाना पड़ेगा उसकी वैल्यू को तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक सबसे जो बेसिक लूप है उसका नाम है फॉर लूप और ये सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉर लूप का सेंटेक्स क्या है मतलब लिखने का तरीका क्या है हम एफ ओ आर स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स अब जो काम होगा वो इस बॉडी के अंदर होगा इसको बॉडी बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है इस बॉडी के अंदर होगा और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं अब इनके अंदर क्या होगा इनके अंदर हमने ये चीज़ बताना है कि जो भी वैल्यू हम है वो उसको काम करवाना क्या चाहते हैं मतलब हम दस तक गिनती अगर प्रिंट करवानी है कितनी बार करवानी है क्या करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस बॉडी के अंदर इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और इंटीजर लेता हूँ एंट आई के नाम का इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि मैं दस तक जो है वो गिनती प्रिंट करवा लूँ तो मैं कहता हूँ एंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा i इज़ लेस दैन अलेवन अब ये काम क्या कर रहा है बताता हूँ आपको मैं फिर सेमीकोलॉन और i प्लस 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 का मतलब है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मतलब एक चीज़ एक नंबर आगे बढ़ जाना इंक्रीमेंट कहते हैं कि इजाफा एक नंबर का इजाफ़ा हो जाएगा अब ये काम कैसे करेगी ये चीज़ ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी है इसका मतलब है कि एक मेरे पास एंट i एक इंटीजर है i के नाम का जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद वो इस चीज़ को देखेगा वो देखेगा कि क्या i इज़ लेस देन एलेवन मतलब i जो है अभी के केस में मेरा i क्या है ज़ीरो है तो ज़ीरो लेस दैन एलेवन लेस देन एलेवन है तो वो इसको ट्रू कंसर करेगा और जैसे ही वो ट्रू कंसिडर करेगा वो क्या करेगा i को एक नंबर इंक्रीमेंट कर देगा मतलब वो ज़ीरो से कहाँ पे चला जाएगा वन पे चला जाएगा और उस वन करने से पहले मतलब जब वन हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ पे जो काम हमारा काम यहाँ पे लिखा होगा वो उसको सिंपली वो फंक्शन परफॉर्म कर देगा जितनी बार मैं वो काम करवाना चाहता हूँ तो लेट्स से मैं यहाँ पे अपना नाम दस बार जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ या अपने चैनल का नाम तो मैं लिख देता हूँ कोड विद काशिफ और मैं यहाँ पर एंड एल लगा लेता हूँ एंड एल का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन एक के मतलब एक लाइन में सिर्फ ये चीज़ ही प्रिंट हो उसके बाद ये एंड लाइन कर दे मतलब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो वो दोबारा दूसरी लाइन पे जाए अब यह कैसे काम करेगा इसको पहले मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ तो ये काम कैसे करेगा यह करेगा सबसे पहले देखेगा एंड आई इज़ इक्वल टू जीरो आई मेरा क्या है जीरो है जीरो यहाँ पे जीरो होगा जीरो लेस देन एलेवन ये इसको ट्रू कंसिडर करेगा और फिर उसको आई प्लस प्लस मतलब जीरो में एक नंबर का इंक्रीमेंट कर देगा ज़ीरो को क्या कर देगा वन कर देगा उसके बाद वो यहाँ बॉडी के अंदर आएगा और एक बार कोड विद काशिफ प्रिंट कर देगा वो दोबारा बॉडी से निकलेगा दोबारा फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अब मेरा आई क्या है आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरी बार आ, मैं यहाँ पे बस आपको लिख के बता रहा हूँ वो कंप्यूटर खुद करेगा दूसरी बार आई वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस किया हुआ है वन होगा देखेगा वन इज़ लेस दैन एलेवन और ये कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पे i प्लस प्लस वन से i हट के टू हो जाएगा वो दोबारा यहाँ अंदर आएगा और दूसरी बार कोड विद काशिफ को प्रिंट कर देगा इसी तरह वो करता रहेगा जब तक i जो है वो यहाँ पे जब दसवीं बार प्रिंट करेगा तो i यहाँ पे एलेवन हो जाएगा और जब वो i अलेवन होगा तो वो यहाँ पे चेक करेगा एलेवन इज़ लेस देन एलेवन तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है तो जैसे ही हमारी लूप की स्टेटमेंट फॉल्स होगी वो लूप से बाहर निकल आएगा और वो यहाँ पे नीचे जितना कोड लिखा होगा वो उस पर वर्क करना शुरू कर देगा तो लूप्स का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जब तक हमारी ये कंडीशन जो है ये वाली कंडीशन ये ट्रू ट्रू रहती है तब तक इसके अंदर जितना भी काम है वो होता रहता है जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी वो उस लूप से बाहर निकल आएगा इस बॉडी से बाहर निकल आएगा अच्छा अब मैंने यहाँ पे i को एक नंबर इंक्रीमेंट किया आप यहाँ पे i को दो नंबर भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं या तीन जितना आप करना चाहें जो मर्ज़ी आपका प्रोग्राम हो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लूप के अंदर कंडीशन अपनी सेट कर सकते हैं अभी के केस में मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल प्लस एस से और सेव करने के बाद यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया मैंने ये अभी मेरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है और ये मेरे पास जो है अभी आ, कंसोल आ गया और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास आ, दस बार कोड विद काशिफ प्रिंट होके आ चुका है तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था फॉर लूप का अगर मैं फॉर लूप ना लगाता और मैं दस बार इसको प्रिंट करना चाहता कोड विद काशिफ़ को तो मुझे ये यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे बार बार कॉपी करके इस तरह इस तरह यहाँ पे दस बार लिखना पड़ता तो इस चीज़ से बचने के लिए हम आ, लूप का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह आप यहाँ पे नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं आ, काउंटिंग प्रिंट करवा सकते हैं मुख्तफ़ काम होते हैं लूप्स के ये बेसिक सा मैंने आपको सेंटेक्स बताया है कि आप कैसे आ, जो है वो इस पर काम कर सकते हैं इसके अलावा और लूप्स भी होती हैं वायल लूप होती है डू वाइल लूप होती है बहुत सी हैं तो वो हम सब एक एक करके स्टडी करेंगे आई uh, होप कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर uh, हो चुका होगा कि फॉर लूप काम कैसे करती है जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी लूप हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कोड है वो उस पर वर्क करता रहेगा जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप को छोड़कर नीचे आ जाएगा लेट्स से मैं यहाँ पे एक और प्रिंट करवाना चाहता हूँ नाउ आई एम आउट ऑफ द लूप तो अब क्या करेगा आ, अब ये पहले दस बार इस कोड विद काशिफ़ को प्रिंट करेगा जैसे ही आई हमारा अलेवन होगा तो वो देखेगा कि 11 तो है वो इस 11 से लेस नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगी और वो नीचे इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा और एक बार इसको प्रिंट कर देगा कि नाउ आई एम आउट ऑफ द लूप तो हम इसको एक बार दोबारा कंट्रोल एस से सेव किया एंड कंपाइल और रन किया तो अभी आप ये देख सकते हैं कि पहले दस बार कोड विद काशिफ प्रिंट हुआ है उसके बाद नाउ आई एम आउट ऑफ द लूप की स्टेटमेंट मेरी प्रिंट हो चुकी है तो इस तरह जो है फॉर लूप काम करती है ये इसका वर्किंग का तरीका है आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में